यहाँ ये आबशार का भी दीदार करा दूं। ये फॉल है, देखे पैटरसन फॉल जो है बड़ा मशहूर माशाल्लाह। और इसके साथ ही जो है ये स्टेडियम है। ये फॉल का एक मेरा जो है बाकायदा एक व्लॉग भी मौजूद है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं उस व्लॉग को। ये आज का जो सेलिब्रिटी का मैच जो है डेडिकेट किया गया है हमारे सेम अबरार खान के नाम से, जिनका हाल ही में ये इंतकाल हुआ है। बहुत ही सोशल फिगर थी, कम्युनिटी को जोड़े रखे हुए थे, सोशल सियासी और बिजनेसमैन शख्सियत थे वो। पीटर ये हमारे न्यू जर्सी के, बिलखसूस अफ्रीका के भी बहुत ही मकबूल लीडर थे यहाँ पे समाजी। इनका हाल ही में इंतकाल हुआ है तो उसके नाम पे ये डेडिकेट किया है। और ये मैच जो करा रहे हैं सोम सिंह साहब जो करा रहे हैं और इनकी टीम करा रही है मैच को, तो ये मैच के लिए मैं आपको अंदर ले चलूंगा। तो थोड़ा सा मैं आपको ये पहले यहाँ पैटरसन का ये व्यू दिखा दूं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है ये। ये पैटरसन वो इलाका है जो यूएसए का सबसे पहले इंडस्ट्रियल स्टेट यही था। यहीं सब सिल्क इंडस्ट्री और दीगर जितनी भी इंडस्ट्रियाँ लगी है और इसी पैटरसन में, ये यहाँ पैटरसन में लगी है जाके ना, इसकी वजह सिर्फ यही ये फॉल था जो है। ये देखिए समंदर जो है, ये नहर जो यहाँ से निकलती है और इसका जो यहाँ जिन्होंने ड्राफ्ट किया था उन्होंने सिर्फ इसी को मद्देनजर रखते हुए कि यहाँ पेन बिजली घर भी बनाया जाएगा और इससे इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी, फिर यहाँ तो रेलवे के इंजन बने और लोकोमोटिव और एरोप्लेन की चीजें और हर तरह का मकसद इंडस्ट्री यहाँ लगी है। और इसीलिए इस प्रदर्शन में इंडस्ट्रियल स्टेट यूनाइटेड स्टेट का पहला कहा जाता है। और माशाल्लाह फैक्ट्रियां भी बेशुमार है यहाँ पे। आइए मैं आपको ले चलता हूँ नीचे। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। आया तो मैं मैच कवर करने के लिए, मगर मैंने कहा कि ये बिल्कुल स्टेडियम के साथ ही है ये फॉल, तो मैं आपको इसका नजारा भी करवा दूं। माशाल्लाह देखिए ग्रेट फॉल के नाम से ये मशहूर है, पैटरसन ग्रेट फॉल। देखिए कितना खूबसूरत। बहुत यादगार फॉल है और लोग अमेरिका से यहाँ आते विजिट करने के लिए, देखने के लिए। ये फॉल गिरता है यहाँ पे, देखे बहुत ही खूबसूरत।
इसी वजह से जो यहाँ का जो जिन्होंने ये पेटरसन जो टाउन को और ये न्यू जर्सी में बुनियाद डाली, इसकी मेन वजह यही थी कि यह इन्होंने बिजली घर जो है ताकि इससे पैदा करनी थी यहाँ से, और बहुत कामयाब रहे और माशाल्लाह इंडस्ट्रियल स्टेट अमेरिका का कहलाया गया। और सिल्क में भी मकसद है कि कॉटन में भी, लोकोमोटिव, एरोप्लेन और हर तरह की मकसद के यहाँ फैक्ट्री लगाई गई यहाँ पे इस जगह पे। देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त नजारा हो रहा है यहाँ पे, देखें कितना जबरदस्त नजारा है। और ये पेटरसन का फॉल देखें कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह देखने के काबिल है। ये लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, माशाल्लाह एंजॉय करते हैं। और ये देखें बहुत बड़ी फॉल एक नजर आ रहा है आपको, बहुत ही खूबसूरत। और मौसम भी बहुत ही जबरदस्त है माशाल्लाह, इतना बेहतरीन मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम है और हर तरफ सुकून ही सुकून है यहाँ पे। फैमिली देखिए आ रही है सारी और माशाल्लाह फॉल कितना जबरदस्त, बिल्कुल साफ पानी है, बतखें बाकायदा तैर रही है, वो परिंदे बाकायदा जो पानी गिर रहा है नीचे उसमें एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए उस तरफ से भी मंजर देखिए कितना खूबसूरत है, ग्रेट पेटरसन फॉल के नाम से ये जगह मशहूर है, न्यू जर्सी में है ये। उस सामने देखिए पुल को भी क्रॉस करके जो लोग इस साइड से उस साइड पे आ जाते हैं, और इसको अभी और ज्यादा इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ बाकायदा सीनियर होम बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं और मजीद चीजें इर्द गिर्द में बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। और यहाँ के जो पेटरसन के जो मेयर है बहुत काम कर रहे हैं माशाल्लाह। रेस्टोरेंट बनेगी यहाँ पे और बहुत सारी चीजें, शॉपिंग एरिया टाइप का बनेगा। एक दिन तो आप अगर आगे जाएंगे तो बहुत सारी जगह है यहाँ पे इनके पास माशाल्लाह। ये देखे अलेक्जेंडर हैमिल्टन साहब हैं, इन्होंने मुझसे देखे ये पेटरसन को यहाँ बुनियाद डाली, ये डिस्कवर किया इन्होंने। इनके बारे में देखें कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो 1755 में पैदा हुए और 1804 में डेथ हुई। अलेक्जेंडर हैमिल्टन ग्रो अप इन पॉवर्टी इन द वेस्ट इंडीज एंड एमिग्रेटेड इन न्यूयॉर्क इन 1772। आफ्टर सर्विंग एज अ मिलिट्री कमांडर ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी वॉर ही एंटर्ड द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड हेल्प क्रिएट द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 1789 to 1795। जॉर्ज वाशिंगटन ट्रेजरी सेक्रेटरी, ये ट्रेजरी सेक्रेटरी यहाँ के वजीर खजाना होते हैं यहाँ के। ये साहब जो है इन्होंने ये फॉल जो है और ये पेटरसन की बुनियाद डाली है ना, ये पावर ऑफ द पीपल, देखिए लिखा हुआ है पावर ऑफ द पीपल में, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर इन द यूनाइटेड स्टेट विल बी फाउंड टू बी ऑफ द हाइस्ट इम्पोर्टेंस टू द प्रोस्पेरिटी। अलेक्जेंडर हैमिल्टन प्रोस्पेक्टेड ऑफ द सोसाइटी फॉर एस्टेब्लिशमेंट यूजफुल मैन्युफैक्चर फिलोसोफिया 1792। इन जुलाई 1778 द पेटरसन ग्रेट फॉल फ्यूल्ड द इमेजिनेशन ऑफ अलेक्जेंडर हैमिल्टन। इट इज सेड दैट व्हेन ही पॉज एट द फॉल विद जॉर्ज वाशिंगटन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी वॉर ही हैड अ विजन ए सिटी ऑफ इंडस्ट्री पावर बाय वाटर। ही फोरसॉ द यंग नेशन एबल टू रिप्लाई वॉर डेब्ट्स एंड प्रोपेल इटसेल्फ फॉरवर्ड इनटू ग्लोबल ट्रेड। Since Peterson founding in 1792, 1792 में ये founding हुआ
हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ इमिग्रेंट फ्रॉम दर्जन ऑफ नेशन फॉरवर्ड इनटू पेटरसन, टेक्सटाइल वर्कर, आयरन वर्कर एंड मैकेनिक केम फ्रॉम नॉर्दर्न यूरोप, सिल्क वार केम फ्रॉम ईस्टर्न एंड साउथर्न यूरोप, आफ्टर द सिविल वार अफ्रीकन अमेरिकन सॉट वर्क इन द ग्रोइंग सिटी, बाय द 1900 इमिग्रेंट फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड द मिडिल ईस्ट केम टू पेटरसन इंडस्ट्री फ्लोरिश. टुडे द डाइवर्सिटी ऑफ इट्स सिटीजन कंटिन्यू टू डिफाइन पेटरसन. ये जो अलेक्जेंडर साहब है इनका सब कमाल है माशाल्लाह, इंडस्ट्री स्टेट. और ये वजीर खजाना भी रहे यहाँ पे अमेरिका के, और आप देखेंगे इनके बारे में पूरा आपने देखा पढ़ा सारा. चले अब हम चलते हैं उस तरफ एंड चिल्फ स्टेडियम में, जहाँ हमारी सेलिब्रिटी का मैच देखते हैं. चलते हैं माशाल्लाह. ये मैरी क्रेमर पार्क, फॉल पेटरसन का हिस्सा है ये, और ये साथ में जो है ना वो स्टेडियम है क्रिकेट का जहां हम चलेंगे. अभी तो मैं आपको इसके मुतसल जो है ये ग्रेट पेटरसन है वो दिखा रहा हूँ, उसका विजिट करा रहा हूँ. ये वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं यहाँ सारे. ये देखिए लोग आ रहे हैं भगत. देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, कितना जबरदस्त नजारा हो रहा है यहाँ पे. यहाँ लोग इस तरह भी हेल्प मांगते हैं. हेलो हाउ आर यू, फाइन 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 गुड, थैंक यू वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू. ये लोग इस तरह यहाँ म्यूजिक बजा के लोग इनकी हेल्प करते हैं. लाइफ अलोंग द रिवर, ये देखिए ये और करीब से मंजर देखें. माशाल्लाह अल्लाह ने कितने मकसदे की नेमत उसे नवाजा है. अपनी मखलूक को और दुनिया में हर जगह उसकी खूबसूरती अल्लाह ताला की नजर आती है. बेशक हम उनकी किन किन नेमतों को जुटलाएंगे, मेरे रब की किन किन नेमतों को जुटलाएंगे. इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने दी है माशाल्लाह. देखिए न्यू जर्सी में बेशुमार, बल्कि अमेरिका में बेशुमार अट्रैक्शन है. आप इतनी अट्रैक्शन है कि आप तफरी कर करके थक जाएंगे और देख देख के थक जाएंगे. हर एक की अपनी एक हिस्ट्री है, हर एक की अपनी कहानी है अगर उसको देखें. और बहुत खूबसूरत रखा गया, देखिए नीट एंड क्लीन, आपको किसी जगह कचरा नजर नहीं आएगा, बहुत नीट एंड क्लीन है. हालांकि लाखों हजारों की तादाद में लोग आते हैं यहाँ विजिट करने के लिए.
लेकिन आपको जरा सा भी कहीं कचरा वगैरह नजर नहीं आएगा। टेल डाउन करके मैं कैमरा अप ले जाता हूँ, देखिए आपको कितना खूबसूरत मंजर नजर आएगा। ये पुल भी बहुत खूबसूरत है। पावर ऑफ पैसिफिक रिवर, फेडरेशन में है सारा, इसकी हिस्ट्री बताइए। 1967 में डिफॉल लिस्टेड एज ए नेशनल नेचुरल लैंडमार्क और 1976 द एरिया सराउंडिंग दी फॉल डिजाइन ए नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क। 1977 पैटरसन रेसवे एंड पावर सिस्टम डिजाइन हिस्टोरिक सिविल इंजीनियरिंग लैंडमार्क। 2011 में द फॉल एंड अदर लैंड अलोंग द पैसिफिक रिवर बिकम द पैटरसन ग्रेट फॉल नेशनल हिस्टोरिकल पार्क। हैंचलिफ स्टेडियम एडिड टू द नेशनल हिस्टोरिकल पार्क आफ्टर इट्स डेडिकेशन एज ए नेशनल हिस्टोरिक पार्क, जो जिसमें हमने अब जाना है ना, ये वाला जो है। हैंचलिफ जो स्टेडियम है, हैंचलिफ स्टेडियम, इसमें हम भी हमने जाना है, जब मैच होना है ये हमारे दोनों पाकिस्तान और इंडिया की सेलिब्रिटी का। लेकिन यहाँ जो इस पैटरसन में जो जो चीजें जो बनाई जाती थी और ये इंडस्ट्री लगाई है, तो लोकोमोटिव देखिए पहले यहाँ पे हुआ, पावर ऑफ प्रोडक्ट जो है ये लोकोमोटिव यहाँ पे इसकी इंडस्ट्री लगी, इसके बाद पेपर की यहाँ पे इंडस्ट्री लगी और ये फिर सिल्क की इंडस्ट्री लगी देखे यहाँ पे, इसके बाद फायर आर्म जो है बंदूक वगैरह की इंडस्ट्री यहाँ पे लगी, इसके बाद एयर प्लान जो है ये इसकी इंडस्ट्री लगी।